और सुपर लीडर इज कमिंग टू यू, जिन्होंने अपने एक से एक माइलस्टोन इस बिजनेस में, टियांस इंटरनेशनल बिजनेस में अचीव किए हैं। आज वो भी पूरे हिंदुस्तान की जान है, पूरी हिंदुस्तान में जो उनको प्यार मिलता है, जो इज्जत, जो पहचान, और लोग उनके दीवाने हैं। एंड ही इज नन अदर देन, एंड आई एम लकी कि हम एज ए ब्रदर, एज ए भाई, छोटे भाई और बड़े भाई की तरह मिलकर काम कर रहे हैं। और दोस्तों, वो कोई और नहीं है, कश्मीर से पूरे हिंदुस्तान के सितारे, टियांस इंटरनेशनल के 2-स्टार गोल्ड लायन, जो बहुत जल्दी डायरेक्टर की पोजीशन पे आने वाले हैं। वेलकम, जबरदस्त तालियों के बीच में, मिस्टर शेख अबू जायज जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यू आर लुकिंग डैशिंग एज ऑलवेज, वंडरफुल। थैंक यू सो मच। ये आप सब लोगों की आशीर्वाद है, आप सबकी दुआ है, और अभी गाड़ी चल रही है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपके पूरे टीम को, और योगराज जी को, और जो 8-स्टार हुए हैं उनको, और पूरे हिमाचल को बहुत बहुत मुबारक। हिमाचल से मैं बहुत प्यार करता हूं, और हिमाचल स्टेट तो काफी बड़ा है लेकिन जनता कम है वहां पे, और हिमाचल जैसे स्टेट के अंदर में गोल्ड लाइन होना, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा मेहनत की गई है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया गया है। और हिमाचल के लोग बड़े अच्छे होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत मतलब इतने अच्छे लोग, मैं इंडिया के 28 स्टेट्स में घूमा हूँ, हिमाचल के लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं। शेख साहब, भाभी जी हमारी शिमला से है, शादी हुई थी, भाभी जी हमारे भाई की शादी जो है शिमला में हुई थी, हम थे। और आप उस शादी में, आपका जो, हम तो बड़े भाई थे, आपका योगदान काफी, 7 गाड़ियां गए थे हम, और हमारा तो रोल बड़े भाई वाला है आपके साथ। आपने नई गाड़ी ली थी, उसी में दुल्हन आई थी तो बहुत अच्छा लगा था, और आज भी जो है ना वो मेमोरीज फोटोग्राफ्स में है, वीडियोस में है, कभी कभी देखना देखने को मिलता है तो अच्छा लगता है, पुरानी यादें ताजा होती है। यस पॉल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद, आपने मुझे टियांस में ज्वाइन कराया है, और मेरी फैमिली और मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स और सब आपको धन्यवाद कहते हैं हमेशा, कि वो आपको नाम से जानते हैं, और शुरू में बोलते थे कि ये किसने फसाया, और लेकिन आज आपको दुआएं दे रहे हैं। लव यू सर, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, ऑलवेज ऑलवेज लव यू। तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये इतनी बड़ी फैमिली है, और पूरे भारत के अंदर में लोग जानते हैं, दूसरी कंट्रीज में भी लोग जानते हैं, इतने सारे इंटरनेशनल टूर किए हैं, और बहुत कुछ किया है टियांस के अंदर में, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, भगवान की, अल्लाह की दया से बहुत कुछ हुआ है, और आप सब भाइयों की मदद से, आप लोगों की आशीर्वाद से, आप लोगों की संयोग से, आप लोगों ने साथ दिया है, और जो अपलाइन है, विकास गोयल जी, मनोज जावा जी, पाल बसनायक जी, आप 3 लोग हैं जो हमारे से ऊपर है, जिन्होंने भारत के अंदर में इतिहास रचा है, और दिल से मेहनत की है, और मैंने आपको मेहनत करते हुए देखा है। मैं सारी पब्लिक को ये बताना चाहूंगा कि अगर वाकई में आप जैसे, एक मूवी है गॉडफादर मूवी है, बहुत ही जबरदस्त मूवी है, जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है, देखना चाहिए सब लोगों को। उसमें वो एक डायलॉग बोलता है कि मैं उस चीज को हासिल करके रहूंगा, अगर वो नहीं मानेंगे मैं ऐसी ऑफर दूंगा कि वो मना नहीं करेंगे। तो पॉल बसनायक जी एक गॉडफादर की तरह है, उसी मूवी के हीरो की तरह, जिन्होंने 24 घंटे मेहनत की है, और आप लोगों ने देखा कि कोई भी लीडर भारत के अंदर में नहीं है ऐसा, जिन्होंने 100 एपिसोड किए हैं जूम पे, और उस वक्त किए हैं
जब लोग बाहर मतलब वीडियो कॉल पे भी लगता था लोगों को कि इसमें भी कोरोना वायरस आए, उस वक्त आपने 100 एपिसोड किए हैं जिससे हमारी टीम बूस्ट हुई है, जिससे हमें मदद मिली है, तो सर मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आपके जैसा मैंने कोई लीडर नहीं देखा। लव यू सर, लव यू दिल से सर, आई लव यू, आई लव यू। और जो आपके साथ रहेगा, जो आपकी रेस्पेक्ट करेगा, साथ में एक स्टूडेंट की तरह रहेगा, वो 100%। पहले मेरी बारी थी, मैं सक्सेस हुआ, उसके बाद में आपके बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिलहाल ये दो लोग जो हैं, शेखर वोरा जी, इतना छोटा बच्चा जो अभी गोल्ड लाइन होने वाले हैं, और योगराज जी सोलन से, मैं सोलन में रहा हूँ, सोलन के गांव गांव को जानता हूँ और सोलन के लोगों को जानता हूँ। सोलन इतना बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, जहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड है, बहुत लिमिटेड लोग हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं, समझते हैं बात को, और बहुत बढ़िया लगता है उन लोगों से बात करके, मिलके काम करके। तो सर मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ लास्ट में सबको, मैं एक एग्जांपल दूंगा कि कुछ टाइम पहले मैंने किसी एक व्यक्ति को ट्यांस में जोड़ा और वो आदमी बहुत ठीक ठाक, समझदार, एडुकेटेड और मतलब हर तरफ से वेल ऑफ है, और एक महीने पहले उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद में एक महीने के बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे लगता है कि एक महीने से मैं लगा हूँ ट्यांस में, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे साथ में जो मैं करता था ट्रेडिशनल बिजनेस, मुझे उसको छोड़ना नहीं चाहिए, मुझे साथ में करना चाहिए। तो मैंने कहा कि ये ख्याल आपको कैसे दिमाग में आया? कहते सर एक महीने से तो मैं लगा हूँ, कुछ इतना खास हुआ नहीं, दो चार लोगों को ही ज्वाइन करवा पाया मैं, और अब घर वाले पूछेंगे, वाइफ बच्चे पूछेंगे, या अगर वो नहीं भी पूछेंगे फिर भी अपने आप को तो जवाब देना पड़ेगा ना कि इतनी महंगाई है और एक महीने में कम से कम 60-70 हज़ार रुपये चाहिए, मिनिमम इतना तो चाहिए खर्चा, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से आ सकता है। मैंने कहा कि मतलब जो मेरा जो कमीशन महीने का आता है वो सब फेक है, और मैंने जो अचीव किया है ये सब बिल्डिंग्स, ये सब प्रॉपर्टीज, ये सब फेक है, ये कोई मूवी है, और आपकी बात सच है। मेरे दोस्त ऐसा है, मैं आपको इस बात का जवाब नहीं दूंगा, और एक सवाल पूछूंगा आपसे, जो आपने ये सवाल किया, दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, पिछले एक महीने में आपने कितने प्लान दिए और पिछले एक महीने में कितनी प्रोस्पेक्टिंग की है, पिछले एक महीने में कितना रिक्रूट किया है, पिछले एक महीने में नए लोगों से कितने लोगों से मिले हैं, आपकी डेयरी में नए लोग कितने ऐड हुए हैं? कहते कोशिश तो की है। मैंने कहा सच बताइए भाई साहब, पूरे महीने में 3-4 प्लान उन्होंने दिलवाए हैं, दिए नहीं है, दिलवाए हैं अपनी अपलाइन से, खुद नहीं दिए हैं, और बिजनेस प्लान के ऊपर मैंने क्वेश्चन किया, नहीं मालूम था, और किसी और चीज के बारे में पूछता मैं जानता हूं, नहीं मालूम था, क्योंकि वो जब लोग इस बिजनेस में लगते हैं तो लोग सोचते हैं ये खुद ब खुद चलेगा, टीवी देखने से चलेगा, फेसबुक चलाने से चलेगा, व्हाट्सएप चलाने से चलेगा, इंस्टाग्राम चलाने से चलेगा, घर में रहने से चलेगा, कहानियां सुनाने सुनने से चलेगा। नहीं मेरे दोस्तों, बाहर निकलना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, डेली 3-4 प्लान देने पड़ेंगे, डेली 3-4 नए लोगों को ऐड करना पड़ेगा, अपनी डायरी को मेंटेन करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, जॉब से डबल मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर अगर रिजल्ट नहीं आते हैं फिर हमसे कहना। तो उनको एहसास हुआ, कहता ये बात तो आप सच कह रहे हैं, पिछले एक महीने से मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं ट्यांस में काम कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि मैं कम से कम इस एक महीने में तो 20 दिन में घर में ही बैठा हुआ था, और 10 ही दिन में उधर इधर थोड़ा सा कोशिश किया मैंने। मैंने कहा अभी तो आपको प्लान भी समझ में नहीं आया। तो मेरा इन्फॉर्मेशन ये है, जितने भी मेरे दोस्त सहयोगी जुड़े हुए हैं इस पैनल में, मैं सबको कहूंगा, चाहे आप 8 स्टार है, 7 स्टार है, या फिर चाहे आप 6 स्टार है, 5 स्टार है, नए जुड़े हैं, या फिर ब्रॉन्ज लाइन भी है, तो मेरे दोस्तों रूटीन बना लो, सुबह उठो अर्ली और घर से बाहर निकलो, कम से कम 3-4 प्लान डेली खुद दो,
और अपनी डाउनलाइन अपनी टीम को साथ में रखो, उनको सिखाओ, डुप्लीकेशन करो, ये बिजनेस इसी तरह से चलेगा, ये मोटिवेशन सुनकर या मोटिवेशन देकर नहीं चलेगा। मोटिवेशन एक छोटा सा पार्ट है इसमें, सबसे बड़ा मोटिवेशन है जब आपके अकाउंट में पैसा आता है, ये प्रैक्टिकल है। अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपए आता है, ट्रांसफर होता है, तो आप डबल मोटिवेट हो जाएंगे। जब आपका 1,00,000 रुपए आएगा तो और मोटिवेट हो जाएंगे, और पैसा आएगा तो और मोटिवेट हो जाएंगे। बहुत सारे लोग पैनल में हैं और आज बहुत ही कहते हैं ना शुभ दिन है, दो और कल भी एक शुभ दिन है, सबको होली मुबारक, कल होली है और बहुत अच्छे दिन में ये गुड न्यूज मिली है। और मैं अब प्राउड से कह सकता हूँ कि मेरे अपलाइन डायरेक्टर हैं, इंडिया के तीसरे डायरेक्टर हैं, और बड़ी खुशी हुई हमारे घर में, आज बहुत बड़ी खुशी है, हमने सेलिब्रेट किया है। जैसे जावा साहब ने कहा कि मैंने जैपनीज वो पेस्ट्री लाई, सबको खिलाई, तो हमने बहुत सारी चीजें लाई, मेरे बच्चों को खिलाई, हमने एंजॉय किया है, हम इसको सेलिब्रेट किए हैं। पॉल साहब को पता नहीं है लेकिन अब पता चल गया है। यस यस, तो जितने भी पैनल में हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुभाष जी हैं बेंगलोर से, सुभाष जी पैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे भी सुनेंगे आज। और मैं चाहूंगा पॉल साहब आपको इन्वाइट करें, क्योंकि आप बहुत ही जबरदस्त इंसान हैं और बहुत अच्छे लीडर हैं और बहुत पेशेंस के साथ काम कर रहे हैं बेंगलोर के अंदर में। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, और जितने भी दोस्त हैं सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। कुछ लोग हमें कहते थे पेंडेमिक में जब कुछ कंपनीज लॉन्च हुई थी कि ट्यांस तो गया, ट्यांस तो ये, मैंने कहा कि 2006 में भी बोला था ये डायलॉग, 2011 में भी एक मैनेजर ने ये डायलॉग बोला था, लेकिन हम जिंदा है, कहते हैं ना वो कि हम अभी जिंदा है, हम जिंदा है, हम काम करेंगे है। और एक नहीं दो नहीं, कम से कम इंडिया के अंदर में 2021 में कई सारे डायरेक्टर होंगे और कई सारे गोल्ड लाइन हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद पॉल साहब, फिर से एक बार आपकी फैमिली को और योगराज जी आपकी फैमिली को, दोनों को मुबारक हो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। सुपर सुपर जबरदस्त शेख साहब, आपका आपकी प्रेजेंस, आपकी फीलिंग्स, आपके वो जो शब्द हैं वो दिल को बिल्कुल कहते ना दिल के अंदर पहुंच जाते हैं, और इसीलिए आप एक सक्सेसफुल लीडर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक से एक कामयाबी हासिल की है। और बिल्कुल यंग है अभी आप, और अभी पूरे हिंदुस्तान में आपने झंडा गाड़ना है जबरदस्त तरीके से, और मिलकर हमने तूफान उठाने वाले हैं हम लोग, कियांशी का जो झंडा है वो हर जगह गड़ने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन सारी इतनी सारी कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, इतने सारे प्यार के लिए, और दिल से दुआ है। आइए, स्वागत है आपका ऑन बोर्ड डायरेक्टर, स्वागत है, अब हमने दरवाजा खोल दिया है, बोलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबको बुला रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि हम मिलकर काम कर रहे हैं, और दुआ करता हूँ ईश्वर से, खुदा से, कि ताउम्र जब तक हम जिंदा हैं हमारे बाद हमारे बच्चे इस इंडस्ट्री को मौज लेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, लव यू।